अमिताभ तिवारी जी, अभी अभी जो हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान हैं मिस्टर सेठ, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया जो सरकारी इनॉग्रेशन हो रहा हो वहां सोनिया गांधी गई हो और उन्होंने इनॉग्रेट किया हो। और ऐसे में मेरा जेन्युइन सवाल है कि संसद भवन जो है वो आप लोगों का एलिगेशन हो सकता है, आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन संसद भवन तो देश का है, वो प्रधानमंत्री के घर का नहीं है, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का घर का नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों का नहीं है, देश का है। देश की धरा को लेकर के 19 बड़ी पार्टियों का बायकॉट कर देना, ये शर्मनाक है। अमिताभ जी, जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये तो नेशन का एसेट है, कोई बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर का उद्घाटन तो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज बीजेपी की सरकार है, हो सकता है कल कांग्रेस की हो, परसों किसी और पार्टी की होगी, जिसकी सरकार होगी उसका प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर इस न्यू पार्लियामेंट में काबिज होगा। तीसरी बात, अगर प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया है तो ये एक थोड़ा टेक्निकल मामला जरूर है, बट इसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि मुझे नहीं बुलाया गया है, मुझे बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्टीज बॉयकॉट कर रही हैं वो कह रही हैं कि आपने किसी तीसरे बंदे को नहीं बुलाया है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। इनको तो आमंत्रण गया है, करेक्ट। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भाई इस तरह से अगर आप प्री फील्ड ओपन फील्ड बीजेपी को अगर आप देंगे तो इसमें आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि बात वही है कि ये जो एसेट है ये पूरे इंडिया का एसेट रहने वाला है, इसमें आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स और बिल और ये सब पास होंगे, तो इस हिसाब से ये एक सेलिब्रेशन का मौका है। इसमें जरूर विपक्षी दलों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और भाजपा को भी राष्ट्रपति जी को बुला लेने में कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी, उनको बुला लेना चाहिए था। तो भाजपा भी, मुझे लग रहा है दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपने, या दोनों दल जो है या दोनों जो खेमे हैं वो अपने अपने स्टैंड पॉइंट पे अड़े हुए हैं एक तरह।